एंग्जायटी जो होती है वो आपके एक वक्त था जब मेरे एकदम से बाल गिरना शुरू हो गया. वैसे भी मेरे सर पे दो बाल है, तो जब गिरना शुरू हुए तो मैंने कहा यार आजकल तो मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, क्यों गिर रहे हैं? ये होता है, ये सब कुछ होता है. और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी भी मुझे स्ट्रेस होता है, अभी भी मुझे वो उस तरह से नहीं होता. लाइक 12 साल मेरा 12 साल मैंने उसमें गुजारा, मतलब उसी मेडिकेशन पे. मुझे याद है मैं रात को 11 टैबलेट्स लेती थी, सुबह में 9. या तो मुझे मेरे डॉक्टर ने जो कि हारून रशीद हैं, जी जी, तो पहले हारून रशीद थे, फिर एहसानुल हक चिश्ती हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की कभी खड़ी भी हो पाएगी. तो अब वो मुझे कॉल उन्होंने की कुछ अरसा पहले, उन्होंने कहा कि मैंने कभी ज़िंदगी में किताब लिखी तो तुम्हारे बारे में लिखूँगा, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं गिवअप कर दूँगी, मैं कभी नहीं खड़ी हो पाऊँगी, मैं कभी भी लोगों को फेस नहीं कर पाऊँगी. लेकिन आपको हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ती है, और आई थिंक आपकी जो सराउंडिंग है ना, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, वो आपके लिए पिलर्स बनते हैं. बिल्कुल. तो वही सब कुछ हुआ मेरे साथ भी. आपके भाई आपके लिए, आपके साथ भाई तो बहुत छोटा था मेरे से. कितने साल छोटे हैं वो? मुझसे 6 साल छोटे हैं. तो भाई का तो वो मतलब मेरे सामने वो था, तो कोई भी नहीं था. और मैं कहती हूँ जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है. बिल्कुल. तो मेरी अम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया, बाबा बाबा ही रहे. और फिर जब कोई ठोकर लगती है, एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं वहाँ से, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात की कि माया ये तो सिलसिला चलता रहेगा, सिर्फ इंसानों के चेहरे बदलते रहेंगे. कहानी तो वही है पुरानी. तो अगर कहानी तो दर्द और हाँ, तो वो जितना हो सकता है कि मुझे पहले किसी ने कोई दर्द दिया वो किया हो, तो उसके बाद कोई और दे रहा हो, पर दर्द वही है, चेहरा बदल गया. बट माया आई एम रियली लाइक यू एट द एज ऑफ 16 आपके साथ ये सब कुछ हुआ. और वही बात मैं आपको आज देखती हूँ और मुझे यकीन, सीरियसली अगर कोई और बैठा होता मुझे लगता हाँ आई कैन सी, बट आपको देख के मुझे नहीं, मैं ये कभी सोच ही नहीं सकती थी कि आपकी हिस्ट्री में इतनी मुश्किलात. मुझे लगता था कि चलो ऑडिशंस पे वो हो गया होगा कि नहीं आपने ये नहीं ठीक, आप ये करें वो करें, बाल लंबे करें, आप फलां ठीक करें, जो जिस तरह डायरेक्टर जिस तरह बात करते हैं, मतलब मैं वो डिटेल में नहीं जा रही. बट आपने बस अल्लाह पे भरोसा और फिर अपनी अम्मा के साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी अम्मा मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा था अगर तुम ठीक ना हुई तो फिर मैं क्या करूँगी. आई थिंक तो वो चीज़ फिर मुझे उसने बड़ी हिम्मत दी कि अच्छा नहीं ओके खड़े होना है. बहुत मुश्किल था मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती. मुझे इतना दर्द होता था, मुझे लगता था कि ये मैं कुछ कर बैठूंगी, तो मैं दरवाज़े बंद करके खुद को मारती भी थी कि अब नहीं, मुझे ये मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि वो ड्रग्स होती हैं, वो आपको अंदर से नम कर रही होती हैं, आपको ठीक नहीं कर रही होती. तो वो मुझे छोड़ना था, वो इतना मुश्किल था कि 8-9 साल लेने के बाद मैं कैसे छोड़ूंगी. तो हिम्मत बहुत ज़रूरी थी. आपने कब छोड़ी? अभी रिसेंटली? बहुत रिसेंटली, लाइक 4-5 साल पहले. लेकिन अभी भी अगर मुझे थोड़ा सा होता है तो मैं ले लेती हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं डेली और उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है. अब तो आप माशाल्लाह जिम भी जाती हैं, तो उससे बहुत रिलीफ मिल जाती है शायद मेरा, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी शायद, क्योंकि हाँ मैंने उसकी एक बना लिया हैबिट कि मुझे जाना है और मुझे करना है. और ये आई थिंक आपकी दिमाग का भी होता है ना कि आपको सब कुछ करना है, पर बड़ा मुश्किल होता होगा मेरा उन लोगों के लिए जो बात ही नहीं कर पाते होंगे, जो शायद अंदर ही अंदर वो मतलब ख़त्म होते होंगे. पर ये प्रोसेस है जहाँ से गुजरना है, जहाँ से मैं गुजर के यहाँ तक आई हूँ. और आई रियली होप सो कि कोई एक ऐसा दिन हो जिस दिन मैं सुबह उठ के बोलूँ अब तो मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं. इंशाल्लाह माया. पता है एक और चीज़ मेरा इसमें होती है कि मुझे सबने कहना शुरू कर दिया कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. ठीक है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो क्या मुझे दर्द नहीं होता यार? क्या मेरा रोने का दिल नहीं करता? तो वो समटाइम अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी मैं कि नहीं मुझे नहीं रोना. लेकिन वो उस टाइम पर तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर मैं टूटती थी, फिर मुझे उठना होता था. तो अगर अब मुझे दिल कर रहा है रोने का और अगर मेरा मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं रोऊँगी. मेरा हंसने का दिल कर रहा है मैं हंसूंगी, क्योंकि समटाइम आप खूबसूरत स्माइल भी आप है. आप समटाइम अपने आप को भूल जाते हो, आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे होते हो. तो मैं सबसे कहना चाहूँगी इस शो के थ्रू भी प्लीज़ कि आप सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें और घबराए मत. अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है बात करें इस चीज़ के बारे में, फैमिली से बात करें. हाँ एग्जैक्टली. और अगर नहीं दिल कर रहा तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, प्लीज़ मुझसे देख लें. ये आपको माया कह रही हैं कि उनको उनसे शेयर करें प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है. मेरा अंदर जो इंसान रखता है ना ये वही जानता है कि उसके साथ क्या गुजर रही होती है. बिल्कुल. अच्छा माया बहुत सीरियस हो गए. ये तो मेरी थेरेपी हो गई है सीरियसली. क्योंकि एनीवे मुझे बताएं एक आदमी में 3 अट्रैक्टिव क्वालिटीज क्या है आदमी में? जी वो अच्छा बोलता हो, अच्छा वो एक औरत को इज्जत देता हो, और तीसरा वो
अच्छा पहनता हो, अच्छा पहनने का मतलब ये नहीं कि ब्रांड्स, पर उसको पता होना चाहिए कि वो क्या पहन रहा है, तो अच्छा बोलता हो, औरत को इज्जत देता हो और अच्छा पहनता हो, वेरी दैट्स लवली, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली अट्रैक्ट भी तो होना होता है आदमी के साथ सदा, क्योंकि ऐसे बहुत से मर्द मेरा आपने देखे होंगे कि शायद वो बहुत खूबसूरत होते होंगे, लेकिन जब आप उनके दिल के बारे में जानते होंगे और जब आप उनसे बात करते हो, आप कहते होगे इस खूबसूरती का मैंने अचार डालना है। बिल्कुल नहीं, हमारी इंडस्ट्री में माशाल्लाह जितनी खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं उससे खूबसूरत मर्द हैं, और वही जब आप ज़रा स्क्रैच करते हो ना सर्फेस को, सो अंडरनीथ समटाइम्स आपको टाइम लगता है किसी को जानने में, लेकिन जब आप जान लेते हैं तो बस लिटिल फ्लेकी। तो आप माया की बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं जी, उन वो कौन सी क्वालिटीज़ मुझे हैं? मेरा ये नहीं लगता कि मुझे हर कोई मेरी तारीफ करे, दोस्त तो फिर मुझे लगता है ख़तरनाक है फिर आपके लिए वो लोग, वो सच नहीं बोल रहे, तो मुझे होता है कि अगर कोई अच्छा काम किया अच्छी ही बात करो, बुरा किया है तो फिर सख्ती से बात करो, ठीक। तो फायज़ा उनमें से हैं जो मुझे कहीं पर भी दुनिया में हो तो कॉल कर देती हैं कि ये बात ठीक नहीं है माया, आप बड़े तरीके से समझाती हैं। एंड अगेन मेरी जो भाभी है, मेरी कज़न भी है नूशा, अच्छा कज़न तो भी है, मेरी मामू की बेटी है, तो उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मुझसे मतलब हम लोग शेयर कर लेते हैं बात, एंड आई थिंक That's yeah. हाँ. कोई कॉलेज की फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने मतलब अब माया अली इज नाउ ह्यूज स्टार, तो मैसेजेस आते हैं यार जब हम बैडमिंटन खेलते थे? आई डोंट थिंक सो, एक थी मेरी दोस्त लेकिन उनसे बहुत पहले ही वो एक वो हो गया किसी वजह से, बट पहले अगर आप मुझे 5-6 साल पहले मिलती मेरा तो मुझे लगता कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत दोस्त है, लेकिन वो बात है ना कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है, टाइम के साथ आप सीखते हो कि आपका अपना कौन है और वो नहीं, तो मैंने बड़ी आसानी से फिल्टर किया, टाइम लगा फिल्टर कर लिया, और अब मैं बहुत खुश हूँ जिनके साथ भी हूँ। हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें हम TVCs करते हैं, हम लोग बल्कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो पैसे हम लोग कमाते हैं वो ज़्यादा TVC से कमाते हैं, ड्रामे तो हमें उससे आधे से भी कम मिलते हैं, ऐसा ही है। तो जो हार्डवर्क होता है वो ड्रामों में होता है, और फिर जो बाकी मतलब है ड्रामे पर बोनस मिलना होता है हमें TVC से मिलता है। थैंक यू। तो मतलब अभी किसी ने कि डांस किया बिस्किट के एड पे, इतना लोगों ने शोर खड़ा कर दिया, ये क्या है यार, ये क्यों लोग इतने सेंसिटिव हो गए हमारे? नो, मेरा मुझे खुद समझ नहीं आती कि हमें अक्सर हम लोग आप ड्रामे की बात कर रहे हैं ना, तो लोग हम कहते हैं क्या ड्रामा आ रहा है, ये एक ही कहानी है। सही। लेकिन लोगों को पसंद भी वही आ रहा है और यही लोग वो देख रहे हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बात हुई, ये क्या कर दिया आपने। और हम लोग, मैं क्या कहूँ कि दूसरे ममालिक के जो ड्रामे या फिल्म या सब कुछ है उनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सही। कि यार Netflix बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे इश्यूज आ जाएंगे। तो एक्टर का काम है परफॉर्म करना, एक्टर का काम है लोगों को दिखाना, तो आई थिंक यही काम करते आए हम लोग सारी जिंदगी, यही करते आएंगे। बिल्कुल। और ये जो उसमें क्या था यार, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस ने उन पर वो किया है काम, और आई थिंक हमें अप्रिशिएट, बस हम लोग एक जगह चलने लग जाते हैं और हम लोगों को फिर एग्जांपल्स दी जाती है, ये एक्ट्रेस देखिए दूसरे मुल्क की, वो तो ये नहीं कर रही, आपने उनका देखा क्या है, सही, उन्होंने जो किया है वो एक जगह पर उन्होंने एक कैरेक्टर को निभाया है, इस तरह बहुत से एक्टर्स ने काम किया है, लेकिन अगर आप शायद उनको किसी और जगह नहीं देख पाएंगे, ठीक है, वहाँ पर भी आप वो कहेंगे कि नहीं इन्होंने ये गलत किया है, सही, तो मुश्किल होता है इस तरह से काम करना हमारे यहाँ पर। मैं वही बात है मेरा, क्यों जजमेंटल होते हैं आप, बिल्कुल क्यों होते हैं, मुझे नहीं समझ आती यार, लेकिन यही काम है, यही करते हैं, तो अच्छी है। आप मुझे, मैं आपकी फ़ोटोशूट्स देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, आपने जो रिसेंटली किया मैं आपको बता रही थी, वो जो जीन्स पहन के आपके बेबी है खड़े हुए थे, इट वॉज सो क्यूट, थैंक यू। तो आपका जो अपना मॉरल कंपस है माया, आप क्योंकि हम सबका होता है, मेरा आपसे शायद मुख्तलिफ हो, आपका शायद माहिरा से मुख्तलिफ हो, मावरा का शायद सजल से मुख्तलिफ हो, सबका अपना अपना होता है, यू नो, क्योंकि हमारे अब अपने माँ बाप जिस तरह हमारी परवरिश करते हैं और फिर आपका अपना जो फ्रेमवर्क होता है, तो आपके लिए कोई है, एक जगह है वह माया अली ड्रॉज द लाइन कि इतना मैं कर लूँगी, चोली मैं पहन लूँगी, हाँ बिल्कुल क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके आगे नहीं करूँगी, या मैं यू नो कुछ है आपके लिए रेड लाइन? अच्छा, मुझे बड़ी एक अजीब चीज़ लगती है, मेरा चोरी तो 1 रुपए की, चोरी 1 लाख रुपए की भी, जो चीज़ आपके लिए गलत है फिर वो गलत है, वो फिर ऊपर या नीचे करने से क्या होगा, तो आई थिंक मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि यार ये नहीं पहनना मुझे ये पहनना है, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। हाँ, उसके पहनने का तरीका क्या हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, साड़ी साड़ी है, लहंगा चोली लहंगा चोली ही है, उसके ऊपर अगर आप कुर्ती पहनेंगे तो वो कुर्ती है लहंगे के ऊपर, बिल्कुल, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता। हाँ, इतना है कि जो मेरे दिल को मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी फैमिली कंफर्टेबल है और मैं कैरेक्टर में हूँ,
तो मुझे करना है. वो ऐसा नहीं है कि अच्छा माया ने ये क्यों पहना, वो आई थिंक सानिया ने पहना होगा फिल्म में, वो आनिया ने ये किया होगा, मैं तो कुछ और हूँ. बिल्कुल. तो ये चीज़ें लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए. फिर लोग कहते हैं कि ओहो ये तो हम फिल्म देख कर आए, तो ये तो ड्रामा था. फिर अगर हमने ड्रामे को फिल्म की तरह बनाना है तो वो लोगों को हजम नहीं होगी चीज़. सही. तो ये चीज़ आई थिंक लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए. बिल्कुल. और आप आई थिंक मेरा किसी को खुश, मतलब एक टाइम पे सबको खुश नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसा है माया. बिल्कुल. सोशल मीडिया ट्रोल्स जो जिनको हम कहते हैं, आप कैसे उनके साथ डील करती हैं? मेरा तो एक रूल है कि जो अब्यूज़ करेगा उसको ब्लॉक, और कभी कभी डजन्स को ब्लॉक करना पड़ जाता है एक गो में. लेकिन जो अब्यूज़ गाली देता है उसको मैं फ़ौरन ब्लॉक कर लेती हूँ. लेकिन जो तनकीद करता है लेकिन कहता है कि देखें ये आपकी ज़िंदगी है, लेकिन एज अ फ़ैन मैं ये कहना चाहूँगी या मैं ये कहना चाहूँगा और मेरे से इंगेज करें, मैं जवाब भी दे देती हूँ. तो हाँ, जो मतलब कोई गाली अगर नहीं दे रहा तो भाई ठीक है, आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू. तो आप सोशल अपने फैंस के साथ कैसे इंगेज करती हैं? मैं तो उनसे करती हूँ बात, मैं भी उनको कमेंट करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ. और बहुत से ऐसे लोगों को नहीं भी करती, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मीरा बैठे होते हैं जो टेंशन लेना चाहते हैं. बिल्कुल. कि गलत, अगर सब अच्छा लिख रहे हैं मैं गलत लिखूंगा या लिखूंगा, ठीक है, कि मुझे तो रिप्लाई आएगा. तो मुझे लगता है कि नहीं, अच्छी बात है. आपको पता है इस बात का कि वो जान के प्रोवोक करने के लिए. एग्जैक्टली, वो होता है ऐसा. ऐसे लोगों की कुछ आदत होती है, तो वो नहीं मैं कहूँगी. लेकिन हाँ, अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ या मेरा काम बुरा लगता है, तो एक होता अनफॉलो. उसको सिर्फ आपने ऐसे करना है, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी.